नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बड़े चंगे होंगे अपने अपने घरों में और सर्दियों के लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी को। मैं दिखा देती हूँ कि मैं कल क्या क्या काम करके गई थी जल्दी से। उसके बाद मैं सोचूँ एक आधी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अभी धूप नहीं आई है। और मैं बता दूँ, अभी पूरे के पूरे 12 बजे हुई हैं, मतलब 12 बजे हुए टाइम बता रही हूँ मैं, और अभी तक धूप नहीं निकली। और कल तो 10 बजे धूप निकल गई थी, 9 बजे निकलना शुरू हो गई थी, फिर धुंध हटते हटते 10 बज गए थे, पर आज तो 12 बजे हैं, धूप के कोई वो नहीं है। मैं उठ के आई हूँ कि भाई चलो वीडियो रिकॉर्ड तो करी जाए। तो मैं दिखा दूँ मैंने कल क्या क्या बनाया था। मुझे 6 टेक्सचर बनाए थे, जिसमें से मैंने 5 ही बनाए। ये प्योर ऐश वाला बनाया ही नहीं, क्योंकि ना बहुत टाइम टेकिंग गई है, पर मैंने 5 टेक्सचर बना लिए। किए कितना सुंदर लग रहा है देखो। ठीक है, एक ये बन चुका है, एक ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ड्राई हो गया, 4-5 दिन की धूप भी लग चुकी है, पर जी नहीं, बिल्कुल उसको धूप नहीं लगी है, कल कल की धूप लगी है। तो मैं सोची कुछ क्रम्बल भी किया जाए। क्या क्रम्बल किया जाए, कुछ है ही नहीं क्रम्बल करने लगा एक्चुअल में, सही में कुछ नहीं है। ठीक है चलो वहीं पर चलते हैं। एक आधा स्लैब का टुकड़ा, ये छोटा सा पीस दिख गया मुझे, ये क्रम्बल कर लेते हैं। काफ़ी सही है, ना ज़्यादा डस्टी है ना कैसा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मड की तरफ। यही टेक्सचर है हमारे पास क्रम्बलिंग के लिए। मैं आती हूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ, अपना 5-6-7 मिनट का व्लॉग निकल जाता है। कल तो जी मैंने एक पुरानी वीडियो डाली थी, वो येलो ब्लॉक की, जिसमें वो बड़े बड़े केक्स थे, उनके ऊपर वो छोटी छोटी चम्मच से जो मैंने स्पून से बॉल्स बनाई हुई थी वो थी। तो मुझे उस पर इतना लंबे चौड़े कमेंट मिले कि कैमरा एंगल सही नहीं है। वो कहीं कभार हो जाता है कि हम क्रम्बल करते रहते हैं और कैमरा या तो ट्राइपॉड खुद हिल जाता है, या हम अपने टब वब हिलाते हैं, क्रम्बलिंग की पोजीशन हम चेंज करते हैं, तो वो हमारा वो फिर फ्रेम में नहीं आ पाती प्रॉपर क्रम्बलिंग। मेरे तो ब्लॉग में भी हो जाता है, पर मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगी। वो पुरानी वीडियो डाली और तब मैंने जब वो डाली तब मुझे कुछ नहीं मिला उसमें कमेंट की कैमरा एंगल सही नहीं है। मैंने दोबारा डाली तो उसमें मेरे को भर भर के कमेंट मिले। तो जी थैंक यू सो मच बताने के लिए कि भाई मैं वर्क करूँगी उसके ऊपर। अब वो पुरानी वीडियो थी ना, मैंने डाल दी वो, क्योंकि पता है अब पुरानी वीडियो ही चल सकती है हमारी, नहीं तो बन नहीं पा रही। पर फिर भी मेरी तो एक एक ना एक वीडियो जाती है। नहीं हूँ इतना हार्ड टेक्सचर होया पड़ा है। इसकी पानी में पोरिंग दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में तो टाइम नहीं है। तब अब थैंक गॉड साफ है, मिल जाती है ना मुझे फिर वीडियो आने के लिए ना प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है कि आओ क्रम्बल करो। बस हाथ में चुभ रहा है टेक्सचर। तो सुबह सुबह इतने ढोल नगाड़े बज रहे थे आज कि क्या बताऊँ बस। और मैं कल सारा सामान ऐसे ही छोड़ गई। देखो ये शेप बनाई, ये बनाई नहीं, बनी नहीं, मैं इसकी बनाने वाली थी। सारा सामान डब बाल्टी ऐसे सब प्रॉपर छोड़ के ऐसी चली गई। और कल जितना भी वो वेस्ट वाटर था वो सब लग गया मेरी वीडियोज़ में, वीडियोज़ कह रही हूँ शेप मेकिंग में। तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना बच जाता है ना फिर वो वीडियो में यूज होता है। तो मैं फ्रेश पानी भर के ले आऊंगी। सरफ लाना भूल गई और ऊपर खत्म हो गया सरफ। ये ना इस जो नेचुरल रेड वाटर है ना मेरे पास, जो मैंने बनाई है क्ले पॉट से और क्या कहते हैं ईट से भी बनाई हुई है इसमें, और ज्यादा तो इसमें क्ले पॉट है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, तो इसका जो कलर है ना जो भट्टे वाली है उससे ज़्यादा डार्क भी रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। मान लो उसका कलर हम अगर जो उसमें कुछ ऐड ना करें वो प्योर रहे, तो उसका कलर लगभग 6-7 महीने तक रहेगा, पर इसका कलर उससे ज़्यादा रहेगा 9-10 महीने, ये मैंने देखा है। क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा और ये ऐसी की ऐसी, और जबकि ये ऐसी पड़ी रहती है बारिशों में, और ये पहले तो वहाँ सोलर के नीचे पड़ रहती थी, तो सोलर साफ़ होती थी इसमें पानी जाता था,
तो इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होता। तो मैं इसको उसमें ऐड कर सकती हूँ क्योंकि बहुत मेहनत से बनी है ये, हाथों से कूट कूट के मैंने बनाई है, तो अब इसको ऐसे ज़ाया तो नहीं करेंगे। अब बस छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं मेरी, अब ऐसे ब्लॉग मिलेंगे नहीं। एक टेक्सचर रहता है, मैं सोच रही हूँ वो अभी मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन सी वीडियो बनानी है। ठंड तो बहुत है पर स्टिल हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। धूप मुझे लग नहीं रहा आज निकलेगी, और आज की तो बताई भी बहुत ज़्यादा ठंड है, नॉर्मल से आज बहुत ज़्यादा ठंड बताई हुई है। टेम्परेचर अभी मैं चेक करके आई थी, 12 बजे हुए और 9 टेम्परेचर हो रहा है, 9 डिग्री। ठीक है, ये देखो इतनी सुंदर शेप बनाई है, इसके ऊपर मैंने ये डाला हुआ है पर अब वो थोड़ा गिल्ला हो गया, जैसे जूम करके देखना। ठीक है, और क्या क्रम्बल करूँ, इन्होंने पूरा आज नीचे ना प्रोग्राम बना हुआ है लोहड़ी का, तो मैं जल्दी से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके जो मुझे करनी है फिर मैं भी नीचे जाती हूँ, फैमिली के साथ इन्जॉय करती हूँ। ये देखो शोर, एक बार इसको चेक करती हूँ कि ड्राई है या नहीं। ओह वाओ, ये ड्राई है, फुली ड्राई है। इसकी भी आज मैं कर लूँगी वीडियो रिकॉर्ड, ड्राई कर लेती हूँ इसकी, फुली ड्राई। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है वाटर क्रम्बलिंग की, मैं सोच रही हूँ कि बॉल्स की ड्राई करूँ और इसकी वाटर कर लूँ, क्योंकि वाटर की भी बहुत मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है। ठीक है, एक इसकी कर लूँ। ठीक है, और बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो मैंने ये दो टेक्सचर, एक ये चूज़ कर लिया है, बहुत सारे टेक्सचर हैं वैसे तो। ओके बाय। हाँ तो जी, जब बंदे के पास ऑप्शन ज़्यादा हो ना तो बंदा ऐसे ही भी चलता है। मैंने एक वो प्योर सैंड वाली वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, जो सिलेंड्रिकल्स थे ना वो टोटली वेट थे, अंदर से टोटली वेट, और फिर मैं वो ब्लॉक्स करने लगी। मैंने बोला कुछ था कि मैं क्रम्बल क्या करूँगी और करा कुछ, पर वो बहुत हार्ड थी, मतलब मिनी टब में मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैं सोची बड़े टब में इसकी क्रम्बलिंग करूँगी। अब मुझे डाउट हो रहा है कि अगर जो मैं ये भी कहीं वेट ही ना हो अंदर से, तो मैं एक शेप ना आपके सामने तोड़ के देख रही हूँ कि वेट तो नहीं है। ठीक है, वैसे मुझे बिल्कुल अच्छा लगता अपनी शेप जैसे तोड़ के वीडियो से पहले देखने का, पर चलो व्लॉग तो बन रहा है ना, इसको ऐसे थंबनेल भी ले लेते हैं अच्छा सा। टांगी आ जाती है, पता नहीं इसका माउंट ढीला हो रहा है ट्राइपॉड का ना। सो जी, एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा था मेरा नाम ले देना ब्लॉग में, मुझे नाम प्रॉपरली ध्यान ही नहीं आ रहा, शायद मोनिमा था उनका नाम, मोनिका था, मोनिमा था, ये कोई नाम था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा नाम ज़रूर लेना ब्लॉग में, तो जी ले दिया मैंने आपका नाम। ये टेक्सचर ना ऐसे ही, इसकी बहुत ज़्यादा लम्स बनती हैं तो फिर क्रम्बल प्रॉपरली नहीं हो पाता ये। अब मैं सोचूँ इसकी कैसे क्रम्बलिंग करूँ, क्ले पॉट में करूँ, थर्माकोल के बॉक्स में करूँ, क्योंकि ना जो थोड़ी क्वांटिटी होती है ना जिन टेक्सचर की, फिर उसकी वाटर क्रम्बलिंग करने में मज़ा नहीं आता क्रम्बलिंग करने में। ठीक है, मिनी टब अभी फ्री नहीं है तो मैं सोच रही हूँ इसको छोड़ दूँ, कहीं और चलते हैं। और किसकी करूँ, एक तो वो स्लैब्स है उसकी भी कर सकती हूँ मैं, चलो सोचते हैं।